दोस्तों, अगर आप कम बजट में बहुत अच्छा सा एक फैन परचेस करना चाहते हो जो कि मल्टीपर्पस हो, तो इसके लिए मैं आपको सजेशन करना चाहूँगा कि काफ़ी सारी कंपनीज अभी फैन बना रही है, जैसे कि ऊषा है, बजाज, एवरेडी, जो बहुत अच्छे फैंस बनाती है। लेकिन अगर आपको कम बजट में एक फैन परचेस करना है तो मैं आपको सजेशन करना चाहूँगा कि आप जिग्मा एलिगेंट ले सकते हैं, जो कि मल्टीपर्पज फैन है। इसमें आपको काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे। प्राइसिंग है वो सिर्फ 1200 रुपये है, यानी कि 1200 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा फैन आप परचेस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जिग्मा का एलिगेंट फैन। दोस्तों आप इस फैन की अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसमें बैक ग्रिल लगाते हैं। ये बैक ग्रिल है इसका, ये बैक ग्रिल। बैक ग्रिल लग जाने के बाद हमको इसका ग्रिल नट लगाना है। ये जो ग्रिल नट है इसको लगाना है, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे घुमाना है। ब्लेड इसमें लगाना है, ये रहा हमारा ब्लेड, इसे हम इसमें फिट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये फिट हो चुका है। फिट हो जाने के बाद हमें ब्लेड नट लगाना है, इसे हम ब्लेड नट बोलते हैं। इसमें इसे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, टाइट कर देते हैं जी। टाइट हो जाने के बाद ये जो है फ्रंट ग्रिल है, ये फ्रंट ग्रिल सामने की तरफ लगेगा, लेकिन इसके लिए आपको नेट लूप की रिक्वायरमेंट है, तो इसको बोलते हैं नेट लूप। ठीक है दोस्तों, नेट लूप लग गया है। अब नेट लूप में एक नीचे की तरफ एक स्क्रू है, इस स्क्रू को हम टाइट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, रेडी है हमारा फैन, इसे हम ऑन करके देखते हैं। इसमें टीन स्पीड कंट्रोल बटन के लिए थर्ड नंबर पर चल रहा है, फिर जो सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर है। दोस्तों इस फैन को आप वॉल में भी फिट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको ये एक प्लेट मिली है, वो करना क्या है, पहले हम ये प्लेट देखिए दोस्तों, इसमें आपको क्या है, तीन ग्रिप्स मिली है, स्क्रू मिले हैं और एक प्लेट मिली है। इसमें पहले आपको ड्रिल करना है वॉल में, उसके बाद आपको ये तीन ग्रिप उसके अंदर फिट करना है दीवार में, वॉल में यानी, और फिर दोस्तों वॉल में फिट करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो प्लेट है
इसे दीवार में फिट करना है, यानी कि आपको पहले ड्रिल करना है, ड्रिल करने के बाद ये ग्रिप दीवार में इंस्टॉल करना है, फिर आपको ये स्क्रू कस के इस प्लेट को लगा लेना है। फिर सिंपली आपको करना क्या है, नीचे की तरफ आपको कटा हुआ मिला है, आपको क्या करना है कि जो प्लेट है इसमें आपको सिंपली ये फैन को फिट कर देना इस टाइप से, तो ये आपका फैन जो है दीवार में अटैच हो जाएगा। दोस्तों इस फैन में आपको बहुत ही अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि इसमें आपको मूविंग व्हील्स दिख रहा है जो फैन को मूव कर रहा है, तो ये जो फीचर है इसमें काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। इसे हम रोक भी सकते हैं इस तरह से इसे ऊपर करके, साथ ही साथ इस फ्रंट को आप या डाउन भी कर सकते हैं, यानी कि इंक्लाइन डिक्लाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसमें ऑप्शन दिया है आपको। देखिए दोस्तों इस तरह से आप इसे डाउन भी कर सकते हैं या फिर अप भी कर सकते हैं, और इसमें फिर यहाँ से आपको फिक्स करना पड़ेगा। ये फिक्स हो चुका है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहता हूँ। और साथ में अगर आपका क्वेरी और कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। दोस्तों एक बार फिर से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।